सभी का फिर से मेरे चैनल अन्नपूर्णा सर्वेश्वरी सुमन की रसोई में स्वागत है। तो आज हम बैंगन की कलौजी बनाने जा रहे हैं। तो बैंगन की कलौजी के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम मतलब आधा किलो हमने बैंगन पतला वाला ले लिया है, और इसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो हमने हरा मिर्च, अदरक और लहसुन, और यहाँ पर हमने मिर्च का अचार, और मान लीजिए हम लोग कलौंजी का मसाला बना के रख लेते हैं तो वही खटाई में हम लोग जो मिर्च के अचार में सारा सामान डालते हैं, जीरा, मंगरेला और मेथी वगैरह दाना जो भी डालते हैं सब उसका हम लोग मिर्च का अचार पहले से पाउडर बना के रख लेते हैं जो कि कलौंजी में हम प्रयोग करते हैं खटाई वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि मैंने भरा हुआ अचार ले लिया है मिर्ची का, और थोड़ा सा इसको मैं इसमें डालूंगी, और पहले से जो मैंने मसाला तैयार किया है उस मसाले को भी मैंने ले लिया है। खटाई है और नमक है, और इसमें सब जीरा वगैरह मंगरेला सब हमने मिलाकर ये तैयार किया, और इसमें स्वाद अनुसार इसमें नमक तो मैंने मिलाया ही था, तो मैं और स्वाद अनुसार थोड़ा बहुत नमक जो कम पड़ेगा उसको हम लोग डालेंगे। और कलौंजी को तलने के लिए थोड़ा इसने सब ये सब हम लोग राई का तेल लिया है। हमने अपना हरा मिर्च इसमें डाल लिया है, और यहाँ हमने अदरक का जो टुकड़ा काट लिया था उसको भी हमने इसमें डाल लिया है, और मैंने लहसुन डाल दिया। अगर आप लोग को हरी धनिया और हरा लहसुन डालना है तो अभी डाल सकते हैं क्योंकि उससे भी बहुत सुंदर बनता है। और यहाँ मैंने आपने सबने देखा इसमें मैंने डाल लिया, अभी मैं जो खटाई का सब तैयार की थी, खटाई है, नमक है, जीरा है, इसमें धनिया है, खड़ी सब जो कि मसाला हमने अचार का तैयार किया था वो मैं अब इसमें डाल ले रही हूँ, और इसको हम लोग अच्छे से दरदरा थोड़ा सा पीस लेंगे। इसके बाद हम लोग अपना बैंगन में काट काट के अच्छे से इसको भर लेंगे। हमने अपना कलौंजी का मसाला देखिए कितने अच्छे से तैयार कर लिया है, अब इसको हम लोग निकाल देते हैं बर्तन में। तो यहाँ पे हमारा कलौंजी का मसाला बिल्कुल देख सकते हैं दरदरा हमने इसको पीस के तैयार कर लिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, और ये इतना मतलब टेस्टी होता है कि गीले मसाला जो कि तैयार किया जाता है इसमें डाल करके उससे एकदम बेटर होता है, और बहुत ही जल्दी हमारा कलौंजी बनके तैयार हो जाता है, इसमें कुछ भी झंझट नहीं है और इसका टेस्ट बहुत ही सुंदर आता है। तो अब यहाँ पर हमारा जो बैंगन है उसको हमने धो लिया है अच्छे से, अब इसको मैं इसका पीछे से थोड़ा सा ऊपर का मैं काट दूंगी, और इसको मैं ऐसे निकाल दूंगी, और इसको बीच से मैं हम लोग का थोड़ा लंबा बड़ा वाला है बैंगन, कोई बात नहीं, तो मैंने देखिए इसको देख लिया, इसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट है हमारा बैंगन एकदम अच्छे से, इसमें कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं क्योंकि ज़्यादा दिक्कत होता है कीड़ा वगैरह होने से। तो हमने इसको मैं ऐसे ऐसे इसको अच्छे से ऐसे ऐसे करके इसको बैंगन को कर लूँगी, और मैं इस बैंगन को बढ़िया से ऐसे इसको करके ऐसे पूरा फाड़ ली हूँ। अब इसमें मैं अपना थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं इसको मसाला मैं ऐसे भर दूंगी, मैं जिस विधि से मैं मसाला भर रही हूँ अगर आप लोग उसको करेंगे तो आपका बैंगन से मसाला बिल्कुल बाहर नहीं आएगा, और इसका बैंगन का मेरा बिल्कुल ऐसे हो गया, इसको मैंने पैक कर दिया है। अब ये ज़्यादा थोड़ा पतला है तो इसको मैं यहाँ से ऐसे छीर दूंगी, आप किसी भी बैंगन का बना सकते हैं। यहाँ मैंने फिर ऐसे इस बैंगन को कर दिया लंबे बैंगन को, और इसको मैंने अच्छे से इसको निकाल दिया है, और भर देंगे इसे मसाला, हमने इसको पैक कर दिया है। और बहुत बार तो हम लोग बैंगन को ऐसे गोल के घुमा घुमा ऐसे, आप चाहे तो अगर आपको जैसे सहूलत मिले ऐसे कर सकते हैं, और इसको हमने ऐसे निकाल दिया इसका बैंगन का, देखिए बिल्कुल साफ अंदर से दिख रहा है हमारा बैंगन, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम इसमें अब मसाला भर देंगे हाथ के द्वारा अच्छे से, और अच्छे से एकदम भर देंगे ऐसे ही। तो ऐसे ही हमको सब पैकिंग करना है, हमारा जितना बैंगन है हम सब कर दें, देखिए इसमें मसाला हमने डाल दिया है और अच्छे से हो गया हमारा। तो अब इसको फिर हम यहाँ पे रख दिए ऐसे देखिए, और ये बहुत ही जल्दी और बहुत टेस्टी हम लोग का बैंगन का कलौंजी बन के तैयार हो जाता है, इसमें कोई झंझट भी नहीं है। तो इसको हमने बढ़िया से इसमें से निकाल लिया बैंगन का ये वाला छोर, इसको अंदर से देख लिया बिल्कुल सही है, अच्छा है। तो फिर हमने इसमें मसाला ऐसे पैक कर दिया, और जितना थोड़ा थोड़ा मसाला, क्योंकि ये मसाला बहुत ही चटक हो चुका है, तीखा भी है, और बैंगन इसका तीखापन थोड़ा सोखता भी है। तो देखिए हमने इसको पैक कर दिया है और हमारा अच्छे से तैयार भी है। तो ऐसे हम अपने सारे बैंगन को काट काट के मसाला ऐसे भर लेंगे। पैन रख लिया है और हमारा पैन गर्म है, इसमें मैं सरसों का तेल डाल दूंगी अपना, और
ये इसको गर्म कर लेते हैं और इसी में अपना बैगन अपना गोल गोल घुमा के और डाल दूंगी अपना कलौंजी का। यहाँ पे पैक करके रखा था तो यहाँ देखिए मैं इसको तेल में ऐसे ऐसे अपने ही घुमा दूंगी चारों तरफ, इसमें तेल लग जाता है तो अच्छे से तैयार हो जाता है। जितना भी हमने कलौंजी का मसाला तैयार किया था हमने तैयार करके उसको भर के अच्छे से रख लिया और एकदम बिल्कुल टेस्टी और बहुत ही कम समय में और झटपट बन जाता है हमारा बैगन का कलौंजी। इसको धीमे तो थोड़ा हम इसको ढकेंगे। धीरे धीरे घुमा घुमा के पलट देंगे और बिल्कुल हम लोग का कलौंजी बन के एकदम 10 मिनट से भी कम समय में तैयार हो जाएगा। अब देख सकते हैं हमने इसको कितने अच्छे से और धीमी आंच से इसको बनाएंगे, बिल्कुल बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी कलौंजी बन के हम लोग का तैयार हो जाता है मिर्ची अचार से, खटाई वगैरह से, मिर्ची से डाल करके। ठीक है, मैंने इसी तरह सारे कलौंजी को पलट लिया है और हमारी कलौंजी बन के बिल्कुल टेस्टी तैयार हो जाएगी और इसको दाल चावल साथ रोटी साथ जिससे भी इच्छा हो आप लोग इसको खा सकते हैं। देखिए हमारा बन रहा है बिल्कुल कम समय में और टेस्टी कलौंजी। हाँ देखिए बिल्कुल हमारा कलौंजी बनके तैयार हो चुका है और एकदम चारों तरफ से पक चुका है बढ़िया से एकदम बनके और बस अब इसको भोजन में हम लोग खाएंगे टेस्टी टेस्टी कलौंजी। 10 मिनटों में बनके तैयार हमारी कलौंजी, इसमें बहुत समय नहीं लगता, बहुत झंझट भी नहीं होता और बनके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाता है। तो हमारी कलौंजी बनके बिल्कुल से फटाफट तैयार हो चुकी है कम समय में और एकदम बहुत बढ़िया। कलौंजी बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में तैयार हो चुका है और बहुत ही कम इसमें सामान भी लगा। तो आप लोग भी इसे ऐसे ही बनाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।